ओके एक बार फिर से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। पूर कनेक्शन के कारण अभी हमारा कनेक्शन फेसबुक से टूट गया था। मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, ये क्लास टेंथ एसएसटी के तहत ज्योग्राफी का क्लास है, जिसमें पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। रिसोर्स और एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले मैं रिसोर्स की मीनिंग बता रहा था एग्जाम्पल से। वैसी हर एक चीज जो आपके नीड को फुलफिल करता है, जिसको या फिर जिसको जिस चीज को आप अपने नीड को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो सभी रिसोर्स है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक टीचर भी रिसोर्स होता है, एक व्हाइट बोर्ड रिसोर्स है, पेन रिसोर्स है, ये टेबल रिसोर्स है, और इस सारी चीजें जो हैं वो बनी है या तो मेटल से, या तो लकड़ियों से, या तो प्लास्टिक से, या पेट्रोलियम से, या तो जो लकड़ियां बनी है वो फॉरेस्ट से, या फिर वृक्षों से। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्स में आएगा, क्योंकि हम इसका यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइज जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का कई सारा यूटिलाइज है। पेट्रोलियम को जो हम माइन से निकालते हैं, धरती के अंदर से निकालते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब यूटिलाइजेशन, उसको प्रोसेस करके उससे हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल बनाते हैं, किरोसिन बनाते हैं, कई सारे रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं और सेवरल यूजेज करते हैं। उसी से प्लास्टिक भी बनती है, उसी से आपका कैंडल मोम भी बनता है, उसी प्लास्टिक से आपका पेन बन रहा है, कई सारी चीजें बन रहा है। तो पेट्रोलियम का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन है, दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इज रिसोर्स। इन द सेम वे आपके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के कई यूज हैं। फॉरेस्ट से लकड़ियां हमने कटिंग की, उस लकड़ियों से मेज बनाया, तो फॉरेस्ट क्या हुआ, या फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। दूसरी तरफ ये फॉरेस्ट हमें CO2 की मात्रा जो हमारे वायुमंडल में उसको कम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो फॉर दैट पर्पस हमें जो ब्रीथिंग के लिए हमें जो O2 चाहिए वो भी हमें फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल रहा है। तो हमें जिंदा रहने के लिए O2 की आवश्यकता है, O2 का हम यूटिलाइजेशन कर रहे, कहां से मिल रहा है, फॉरेस्ट से। तो इसलिए फॉरेस्ट का उस तरह से भी एक रिसोर्स है। इन द सेम वे आपका वाटर है, एयर है, दिस ऑल थिंग्स आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसोर्सेस। वाटर के सेवरल यूजेस हैं, हमें पीने में, अदर पर्पस इरिगेशन में, कई सारे पर्पस हैं इसके, तो ये भी क्या है, रिसोर्स है। सॉइल है, सॉइल का भी यूज किया जा रहा एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या है, वो भी रिसोर्स हो गया। इतना ही नहीं, आप बड़े बड़े जो मशीन्स हैं वो भी एक तरह का रिसोर्स। तो ये आपने कुल मिला के ये समझ लिया कि रिसोर्स के सेवरल कैटेगरीज हैं, सेवरल टाइप्स हैं। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। रिसोर्स का डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है, हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए सेवरल काइंड्स के स्टेप्स लेते हैं। जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड है हाउस, क्लॉथ, ब्रेड, जिसको बोलते हैं आप एक ले लैंग्वेज में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन भी मिल गया, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए हमें। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों के बिना हम
अच्छा लाइफ जी नहीं सकते हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो बेसिक नीड है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। उसके अलावे जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ये एक अच्छे लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए ध्यान से, आप एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखने में उतना दिक्कत हो रही है, छोटा सा बोर्ड है। हाउस क्लॉथ ब्रेड, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है। इसके अलावे भी जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारी चीजें, ये सारी चीजें भी हमें जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें कहां से मिलती है? रिसोर्सेस। लेकिन एज इट इज ये नहीं मिलता है। हमें चाहिए घर, तो घर चाहिए, घर के, घर में रहने के लिए, घर को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और सीमेंट्स, ब्रिक्स, जो रॉड होता है, जो आयरन का यूज होता है बिल्डिंग में, ये सारी चीजें रिसोर्सेस से बनती है, मेटल से बनती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए। इस प्रोसेसिंग के लिए सेवरल काइंड्स के फैक्ट्रीज के लगाने की आवश्यकता होगी, और उसी में से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। उसी तरह से क्लॉथिंग, कपड़ा के लिए खेतों में कपास की खेती की जाएगी, फिर उसको फैक्ट्री में लाया जाएगा। तो ये सब क्या है? जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, उसको हमारे यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करने के लिए सेवरल प्रोसेस किए जाएंगे। उसको ब्रेड बनाने के लिए खेतों में किसान उपजाएंगे, तो खेती करना और खेतों के अनाज को घर घर तक पहुंचाना, इसके लिए क्या चाहिए? सेवरल काइंड्स के प्रोसेस चाहिए। ये सारा चीज, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, यही तो डेवलपमेंट है, यही तो विकास है। लोगों को रोटी मिलना चाहिए, तो रोटी कैसे मिलेगा? उसके लिए फैक्ट्रीज लगेंगे, उसके लिए खेती की जाएगी, उसके लिए दुकान खुलेंगे, लोग वहां जाके खरीदेंगे, और खरीदने के उनके पास हाथ में पैसा हो, पैसा कहां से आएगा? एम्प्लॉयमेंट से आएगा। तो ये एक तरह का चेन है, एक सर्किल है। इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक दूसरे को बूस्ट कर रहा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एक सवाल आया है, हाँ, घर हाउस बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए, क्या वो भी रिसोर्सेस? हाँ, वर्कर्स भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। हम जब रिसोर्स के टाइप को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसोर्स हर एक चीज जो आपको नीड को फुलफिल कर रहा, आपका घर बना रहा है, वो तो बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर वो ना हो तो आप घर बना नहीं सकते हो, घर नहीं बना सकते हो तो फिर आपका नीड फुलफिल हुआ नहीं। तो जो आपके नीड को किसी ना किसी रूप में फुलफिल कर रहा है, तो वो रिसोर्स है। ये चीज हमेशा याद रखिए। फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रिसोर्स और डेवलपमेंट है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तभी आपका रिसोर्स यूजफुल होगा। अब ये बताओ, जैसे कि पेट्रोलियम है, अर्थ के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको रिसोर्स बोलेंगे? मुश्किल है बोलना, हमें पता ही नहीं है कहां पे है। अगर हमें पता भी है तो भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो रिसोर्स हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो उसके लिए क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। तो रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट जब होता है तो ऑटोमेटिक रिसोर्स यूटिलाइज होता है। आपके पास डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके पास टेक्निक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मशीनरी है, आपकी सरकार अच्छे से काम कर रही है, तभी आप उस रिसोर्स को डेवलपमेंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और डेवलपमेंट से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, और हमारा लाइफ, आपका लाइफ, देश का लाइफ, ये समाज का लाइफ, ये अच्छे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए ये बेसिक क्लास है, हम जो है अभी मेन टॉपिक पे नहीं आए, हम सिर्फ मीनिंग को अभी समझाना चाह रहे हैं। तो रिसोर्स के मीनिंग को आपने समझ लिया। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को आसान बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ
several missionaries. Okay. इंडिया के कॉन्टेस्ट, चूंकि ये चैप्टर जो है इंडिया के कॉन्टेस्ट में, ये चैप्टर इंडिया के कॉन्टेस्ट में है, तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में आपको समझना है कि इंडिया में एक रिसोर्स की कितनी बड़ी आवश्यकता है और इंडिया में कितना रिसोर्स है, किस रूप में है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जैसे इंडिया का आपको पता होगा अराउंड 130, लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का, एक अरब, वन अरब एंड 30 करोड़, इतनी विशाल जनसंख्या, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसका एरिया देखोगे, एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड का सेवंथ पोजिशन में आता है, सातवां स्थान है पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे। इसका मतलब अगर एरिया वाइज इंडिया के पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाए तो इंडिया क्या है, इंडिया में इंडिया के लोगों पे जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एरिया उसको अलॉट नहीं, एरिया कम है पॉपुलेशन ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, कम पॉपुलेशन, कम एरिया, एरिया अगर लेस है तो इसी एरिया में तो मिलता है रिसोर्स ना, तो रिसोर्स भी क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज भी लेस होगा, कम होगा। 130 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से इंडिया में एरिया कम है तो 130 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से रिसोर्स भी इंडिया में कम होगा। अब आप सोच रहे हो कि रिसोर्स ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है कुछ रिसोर्स ज्यादा, लेकिन आप देख सिंपल सा, घर बनाने के लिए भी अगर देखो अमेरिका में घर बनाना आसान होगा क्योंकि 25 से 30 या 40 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिया से उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। आप सोच सकते हो कि वहां के लोग बेटर कंडीशन में होंगे, लेकिन इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दिल्ली जैसे जगहों का आप देख लो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ऐसे ही निकलता है, डेंसिटी ऐसे ही निकलता है टोटल पॉपुलेशन बाय एरिया, तो उसके हिसाब देखो तो इंडिया का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में रिसोर्स भी हमारे पास लेस होगा, रिसोर्स के रूप में क्या लेस होगा यह समझना आपको जरूरी है। रिसोर्स के जैसे कि मान लो कि लैंड है, लैंड मतलब क्या, सॉइल, लैंड मतलब इरिगेटेड लैंड कह सकते हैं या खेती जो फील्ड है, खेती के लिए क्या होगा, इंडिया में कम हो जाएगा, तो ये एक प्रेशर में है। दूसरा, कई तरह के जब डेवलपमेंट होते हैं तो कई तरह का आपको बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री जब लगाते हो तो उसके लिए कई तरह के आपको मेटल्स चाहिए होता है, कई तरह के एनर्जी रिसोर्स चाहिए होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो मेटल के हिसाब से भी इंडिया में देखा जाए तो बहुत जगह पर आयरन ओर है, लेकिन उसके बावजूद हम, हमारे पास जितना होना चाहिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उतना नहीं है। कोल है, कोल अपने पास भी है तो भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारे जो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कोल, हमारा अपना कोल सक्षम नहीं, वो कुछ दिनों में, अगले कुछ वर्षों में वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम आपको पता होना चाहिए कि हमारे नीड का अराउंड 80% जो पेट्रोलियम है वो हम लोग बाहर से मंगा के यूज करते हैं, हमारे नीड का ओनली 20% पेट्रोलियम जो है हमारे देश में बनता है, हमारे देश के
माइंड से निकाला जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हमें दूसरों के, दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंडिया के कॉन्टेस्ट में इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो हम कम रिसोर्स में देश को अच्छे से नहीं चला सकते। ये कुछ उसी तरह का है कि घर में अगर पापा जी का वेतन 20,000 रुपया है तो हमें खर्चा भी उसी के हिसाब से करना है, और किसी के पापा जी का वेतन अगर 5,00,000 रुपया पर मंथ है तो उसका खर्चा भी आप समझ सकते हो कैसे होता है। तो इंडिया कुछ उसी कंडीशन में है। रिसोर्स के मामले में बहुत ज्यादा गरीब तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन अमीर भी नहीं है। जब अमीर नहीं है तो क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग में कई चीजें आती है, फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग की जहां बात होती है, प्लानिंग की जब बात होती है तो वहीं पे फ्यूचर जुड़ जाता है। प्रेजेंट के लिए प्लानिंग तो करते हैं लेकिन बेसिकली हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। इंडिया अगले 50 वर्षों में, अगले 20 वर्षों में हम अपने नीड को कैसे फुल, इंडिया कैसे नीड को फुलफिल करेगा, उसके हिसाब से भारत सरकार, कई राज्य सरकार मिलकर प्लान करती है कि रिसोर्स को किस रेशियो में खत्म करना और कैसे खत्म करना। फॉरेस्ट को क्या काट देना है पूरा? खेती के लेन में अगर हमें अनाज की कमी हो रही है तो क्या फॉरेस्ट को हम कट करके उसको फर्टाइल लेन में कन्वर्ट कर लें? फिर फॉरेस्ट की जो आवश्यकता है वो कैसे फुलफिल होगी? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो यहीं पे प्लानिंग की आवश्यकता होती है। हमें लैंड भी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट भी चाहिए ऑक्सीजन के लिए, नदी भी चाहिए तो वो लाइफ लाइन है, ओशन भी सुरक्षित रहना चाहिए हमारे, हमारे माउंटेन भी सुरक्षित रहना चाहिए, ग्लेशियर भी सुरक्षित रहना चाहिए। ये सारे किसी न किसी रूप में हमारे रिसोर्स, और हमारे आदमी भी, मानव भी, हम भी, आप भी, हर एक आदमी को सुरक्षित भी रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है। बिना प्लानिंग का डेवलपमेंट अगर होगा तो वो डेवलपमेंट क्या होगा? डिग्रेडेशन आ जाएगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाएगा, सोशल प्रॉब्लम आएगा, सोशल अनरेस्ट होगा। किसी मान लो इंडिया में किसी खास लोगों का ही विकास हो रहा है, रिसोर्स उसी का अधिकार हो गया, तो एक बड़ा जो समाज का भाग है वो क्या गरीब होता चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? अनरेस्ट उपजेगा, कभी न कभी आंदोलन, मूवमेंट, क्रांति, कुछ इस तरह की चीजें, मारकाट हो सकती। तो क्या चाहिए? इक्वलिटी भी चाहिए, रिसोर्स पे सबकी पहुंच भी होनी चाहिए, रिसोर्स को सबसे फायदा होना चाहिए, सिर्फ अमीरों को ही फायदा नहीं होना चाहिए, गरीबों को भी होना चाहिए, गरीब का भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ऐसी ही परिस्थिति के लिए हमारी प्लानिंग, खेती, ताकि सभी जनसंख्या तक उस खेती का जो अनाज है, जो उपज हो रहा वहां तक पहुंचे और उचित दामों में पहुंचे। इसीलिए सरकार क्या करती है? प्लानिंग करती है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ इसकी प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है इतना जिस चीज अगर आप समझ गए होंगे तो थोड़ा सा अगर आप इंडिया के रिसोर्स डेवलपमेंट और उसके प्लान को अगर थोड़ी सी नॉलेज आपको हो गई होगी तो फिर हम आगे जो है रिसोर्स के सेवरल टाइप्स हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी इस चैप्टर को समझने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को, जो बेसिक चीजें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चीज समझना होता है वो आपने समझ लिया। अब जो है हम एक एक टॉपिक पर धीरे धीरे आते हैं। कहीं कोई मैसेज है? मैसेज सर, ये दूसरे को अपने कमेंट कर रहे हैं, सब कमेंट कर रहे हैं, इसे कुछ नाइस लिख रहा है कोई कुछ। चलिए रिसोर्स को अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देखो किसी भी चीज को जब कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज करने के कई तरीके होते हैं, कोई ना कोई बेस होता है। जैसे अगर आ
आदमी को कैटेगराइज करना है तो जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे तो मेल और फीमेल होगा। प्रोफेशन के हिसाब से कैटेगराइज करोगे तो कोई टीचर होगा, कोई वर्कर होगा, कोई कुछ होगा, कई कैटेगरी में लोग कैटेगराइज हो सकते हैं। एज के हिसाब से अगर कैटेगराइज करोगे तो फिर उसके हिसाब से अलग कैटेगरी बनेगी। तो यहां पर जो है रिसोर्सेस को भी कई तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता उत्पत्ति, उत्पत्ति के हिसाब से कहां, उत्पत्ति के हिसाब से किस तरह का मतलब रिसोर्स को किस रूप में देखते हैं, कितने कैटेगरी हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप ओरिजिन मतलब होता जिस चीज से बना है, बेसिक चीजों से, उसमें एबायोटिक, और दूसरा है बायोटिक। आसान है, बहुत आसान है। आसान ये है कि यहां ए मतलब नॉट, बायोटिक मतलब, बायो मतलब होता जीव, लाइफ या लिविंग, जीव मतलब लिविंग। तो ऐसे रिसोर्स जिसमें जान ना हो, जो लिविंग ना हो, तो क्या कहलाएगा, एबायोटिक। और जो रेस्ट जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक। तो बायोटिक में क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे आपको पता है उसमें जान होती होता है। पेड़ पौधे क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ये हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन इस किस में आ जाएगा, बायोटिक में आ जाएगा। फॉरेस्ट में इसको अगर एक बड़े कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करोगे तो फ्लोरा एंड फौना कहलाता है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, और दूसरा है फौना मतलब जंतु, पेड़ पौधे और जंतु। ये किस में आएंगे, कॉल आ रहा है, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना से जुड़े हुए जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, कौन सा रिसोर्स होगा, बायोटिक में होगा। फ्लोरा में सेवरल काइंड्स के ट्रीज है, फौना में भी, किसी का मैसेज है, वीडियो ब्लर जा रहा है, सब लिख रहा है, वीडियो ब्लर जाएगा, क्या करें, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। सब वही नीचे लिख रहा है सर, वेरी ब्लर ब्लर। चलो ऐसा है कि हम एस्थेटिक होके हम बात करते हैं, बोर्ड को आप ना देखें, लाइव कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि मेरे बॉडी में अगर मूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वीडियो जो है वो ब्लर होगा, क्योंकि ऑटो जूम कर रहा है मोबाइल, ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, वीडियो नहीं, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक तो आ ही रहा है, यहाँ हमेशा सही है, तो इसलिए मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लोरा और फौना की बात कर रहा था, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में वो रिसोर्स है फ्लोरा और फौना से जुड़ा हुआ। फ्लोरा का मतलब सिंपल पेड़ पौधे, फ्लोरा का मतलब, फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो फ्लोरा में आप देखोगे सेवरल काइंड के ट्रीज हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, फॉरेस्ट हैं पाए जाते हैं, तो ये सब फूल पत्तियां कई सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये हमारा कौन सा रिसोर्स हो गया, बायोटिक हो गया। जीव जंतु में ह्यूमन इट्सेल्फ इज ए रिसोर्स, क्योंकि हम लोग भी जीव हैं, और यहां तक सिर्फ हम ही नहीं, हमारे लिए जो जानवर हैं, जो लाइव स्टॉक्स हैं, जो पशु हम पालते हैं, वो सब भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फॉरेस्ट में कई जीव हैं, फॉरेस्ट में टाइगर है, फॉरेस्ट में बियर्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट में शिप्स हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि अगर ये जीव जंतु नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको हम कभी टाइम
डेवलप इस पे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें भी किसी ना किसी रूप में क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। तो जिसमें जीव है, जीव से जुड़ा हुआ चीज रिसोर्स हो जाएगा, तो ये बायोटिक कहलाएगा, बायो है इसमें। ए बायोटिक जो जीव से जुड़ा हुआ नहीं हो, जिसको निर्जीव भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग, इसमें कई एनर्जी रिसोर्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि आयरन ओर है, एक रिसोर्स है, उसमें जीव जंतु जीव नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो क्या कहलाएगा, एबायोटिक रिसोर्स। सोलर एनर्जी एबायोटिक रिसोर्स, वाटर एबायोटिक रिसोर्स, इतना नहीं, आपके कोल ये भी रिसोर्स है, एबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। पेट्रोलियम, उसमें कोई जीव नहीं होता है, एबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू बायोम्स, टू लिविंग थिंग, कैन बी कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। तो आपने इसको समझ लिया। एक दूसरा कैटेगराइजेशन है एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, मतलब खत्म होने के हिसाब से। कई रिसोर्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी खत्म होते हैं, कई रिसोर्स ऐसे होते थे कि जो खत्म नहीं होते हैं, रिन्यू हो सकता है। तो इसके हिसाब एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो तरह के रिसोर्स होंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो है जो रिसोर्स खत्म नहीं होता है, अगर खत्म भी होता है तो वो खुद को जनरेट रीजनरेट, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और जो रीजनरेट खुद को नहीं करता, अगर करता भी है तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो वो कहलाता है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मेटल्स में, जैसे आयरन ओर है, पेट्रोलियम का, कोल है, आपके पेट्रोलियम है, ये साइज को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जिसका मतलब हम नहीं बना सकते, अपने जीवन में उसको देख नहीं सकते हैं बनते हुए। तो इस तरह की सारी चीजें क्या कहलाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल कौन सा हो जाएगा, सोलर एनर्जी, आप कितना भी यूज करो फिर भी आपको मिलेगा। वाटर, वाटर रिसोर्स, उसको आप यूज कर सकते हो डैम के रूप में कन्वर्ट करके, अगर उसके बिजली को यूज करते हो, तो पानी कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो ये उसको रिन्यू कर सकते हो। आपके फॉरेस्ट भी रिन्यूअल है, लेकिन उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा होगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरह से स्पेशली सोलर एनर्जी को याद रखना, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है किस रिसोर्स का, रिन्यूअल रिसोर्स का। और नॉन रिन्यूअल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, आयरन ओर एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, खत्म होने या ना खत्म होने के हिसाब से दो तरीके के रिसोर्स हो गए। तीसरा जो है ओनरशिप के हिसाब से, मालिक, मालिकाना के हिसाब से, इसके हिसाब से चार कैटेगरी आपके बुक में दिया। एक इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपके अगर फार्म लैंड है एक बीघे दो बीघे या एक हेक्टेयर दो हेक्टेयर, तो वो जो आपके फार्मलैंड हैं वो आपके रिसोर्सेज हो गए, पर्सनल इंडिविजुअल हो गए। आपके पर्सनल कुआं हो सकते हैं वाटर रिसोर्स के रूप में, आपके पर्सनल पॉन्ड्स तालाब हो सकते हैं वाटर रिसोर्स के रूप में, आपकी जो बिल्डिंग पर्सनल रिसोर्स के रूप में आपके हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल फॉरेस्ट भी होते हैं ट्राइबल एरिया में, ठीक है। तो बेसिकली आपके फार्मलैंड ये सारी चीजें पर्सनल रिसोर्स हो गए। कम्युनिटी रिसोर्स होता है, आपको पता होगा कि जो गांव से जुड़े लोग होंगे या नहीं भी होंगे, आपने पंचायत के बारे में पढ़ी होंगी, कभी कई पंचायत के अपने लैंड होते हैं, अपने उनके फॉरेस्ट होते हैं, तो लैंड जो है पंचायत का या पंचायत भवन भी जैसी बिल्डिंग भी होती है, तो ये सारी चीजें जो कॉमन पीपुल का होता है, जिसमें कम्युनिटी का सामूहिक अधिकार होता है। एक गांव मान लो, एक पंचायत के रूप में एक गांव है, उस गांव का, उस पंचायत का अपना फॉरेस्ट एरिया है, तो वो किसी का इंडिविजुअल नहीं, पूरे गांव का है, दैट्स व्हाई दैट कैन बी कॉल्ड कम्युनिटी, दैट कैन बी कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। क्या कहलाएगा वो, कम्युनिटी रिसोर्स, किसी गांव का, किसी पंचायत का। ट्राइबल एरिया में भी किसी खास ट्राइबल जो वहां बसे होते हैं उनको ओनरशिप दे दी जाती है किसी किसी खास रिसोर्सेज पे, तो वो उनका कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। तो ये हो गया। तीसरा है नेशनल, नेशनल मतलब भारत सरकार का जो रिसोर्स है,
जितने भी आप माइंस देखते हैं, जितने भी आप फॉरेस्ट एरिया हैं, भारत सरकार ने उसको क्या कर रखा है, उसको अपने अनुसार उसका प्लान बनाती है, उसका यूज करती है। सरकार की जो चीजें हैं, सिंपल सा फंडा है, सरकार की जो चीजें हैं वो सारी चीजें, और सरकार की चीजों आपका पर्सनल माइंस तो होता नहीं होगा। कुछ एरिया में होता है पर्सनल माइंस, जैसे त्रिपुरा आप जाओगे, नागालैंड जाओगे, तो वहां पे कोल माइंस कुछ पर्सनल हो सकते हैं, तो वो जो है कहलाता है इंडिविजुअल रिसोर्स। लेकिन ज्यादातर जो कोल माइंस झारखंड उड़ीसा कहाँ कहाँ पर आप देखते हो, सरकार क्या करती है, उसको अलॉट करती है, लोगों को बेचती है, बड़े बड़े कंपनीज को। दैट्स व्हाई दिस इज नेशनल रिसोर्स। और बड़ी बड़ी कंपनी सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको रुपया दे, तो ये क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। इतने पहाड़ हैं, इतने झरने हैं, नदियां हैं, जिस किसी भी देश में इस और इस इन सारी चीजों को गवर्नमेंट क्या करती है, यूटिलाइज करती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। देश का जो रिसोर्स है, जो सरकार जिस सरकार का जिसपे मालिकाना हक है, सरकार जिसको जिसके काम करती है, जिसको यूज करती है या बेच सकती है, ये सारे रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। कुछ आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, आपको पता होना चाहिए। ओशन खुला हुआ है, जो लैंड है उस पर मान लो अधिकार है देशों का, लेकिन लैंड से भी कोस्ट एरिया में कुछ माइल्स तक अधिकार दिया गया, लेकिन मान लो दो देश के बीच हजारों माइल्स की दूरी है, वो हजारों माइल्स ओशन है, तो ओशन जो बीच का भाग है वो किसका हो जाएगा, वो एरिया जो वो एरिया ओशन के बीच का एरिया जहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। आप आर्कटिक अंटार्कटिका के बारे में जानते हो, आर्कटिक जो पोल है उसके ऊपर, उस पोल के नीचे, बर्फ के नीचे भी कई तरह के रिसोर्स माने जाते हैं, तो वो रिसोर्स किसका होगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रूल्स एंड नियम्स हैं, उसके कानून हैं, लॉज हैं, उसके हिसाब से उसका उसको यूज किया जा सकता है कभी फ्यूचर में। आर्कटिक है, अंटार्कटिका हो गया जो साउथ पोल के एरिया है, उसके अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कोल माना जाता बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम भी हो सकता है, उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा है, और साथ ही साथ जो बर्फ है उसकी मोटी सीट्स हैं, जिसको इसके अंदर से उसको एग्जॉस्ट कर उसको निकालना बहुत मुश्किल है, और उस पर किसी एक देश का अधिकार भी नहीं है। दैट्स व्हाई दैट कैन बी कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब कुल मिला के ये देखो देखो तो तीन तरीके से हमने देख लिया। एक ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक है, बायोटिक एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने ना होने के हिसाब से हमने देखा, दो तरह के रिन्यूबल एंड नॉन रिन्यूबल। ऑनरशिप के हिसाब से चार कैटेगरी में रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल किसी का हो, कम्युनिटी मतलब किसी पंचायत किसी गांव में सामूहिक रूप से अगर कोई किसी रिसोर्स पर अधिकार है तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा, नेशनल मतलब जो देश की सरकार के अंदर आता है, और इंटरनेशनल मतलब जो किसी खास देश का जिस पर अधिकार ना हो, वो अभी तक मुक्त है, अभी तक किसी का अधिकार ना हो, या फिर पूरी दुनिया उस पर मिल बैठ के उसका कैसे यूज किया जाएगा देखेगी, तो ऐसे जो रिसोर्स है वो इंटरनेशनल कहलाएगा। तो तीन तरीका होगा। चौथा तरीका है डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है रिसोर्स के, तो उसके हिसाब से तीन तरीके में डिवाइड किया गया। एक है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है जिसका यूज नहीं हो रहा बट उसका यूज हो सकता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, राजस्थान गुजरात का जो रन है, राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर जो वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, यहां पर सोलर एनर्जी को डेवलप करने का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन सोलर एनर्जी के बहुत ज्यादा प्लेट्स वहां लगाए नहीं गए हैं, उसका यूज नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल तो है ना, सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है ना, जो सन रेज है वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में आती है, बादल भी बहुत कम होते हैं, ये तो पोटेंशियल हुआ ना, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ, तो यूज नहीं हो लेकिन उसमें क्षमता हो तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा जो मतलब
डेवलपमेंट का स्टेटस देखो क्या है, जिसका डेवलपमेंट नेचुरलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन क्षमता है तो वो कहला वो रिसोर्स। इंडिया में थोरियम के बारे में आप नाम सुने, यूरेनियम का तो यूज होने लगा है। यूरेनियम का क्या यूज होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम से एनर्जी को क्रिएट की जाती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम का यूज। उसी तरह का एक होता है मेटल थोरियम, यूरेनियम जिस तरह का है एलिमेंट्स उसी तरह का एक थोरियम एलिमेंट्स। इंडिया में थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, खास करके कहां पे, केरला एरिया, कोस्टल एरिया में। लेकिन उस थोरियम से एनर्जी के प्रोडक्शन का जो मेथड है उस पर रिसर्च ही चल रहा है। जिस दिन ये रिसर्च कामयाब हो जाएगा उस दिन इंडिया जो है थोरियम से बहुत ज्यादा क्या करेगा, एनर्जी को मतलब प्रोडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन कर सकता है। तो क्या हो गया, थोरियम क्या हो जाएगा, क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं हो रहा लेकिन इसमें क्षमता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए पोटेंशियल रिसोर्स के। तीसरा जो है वो डेवलप्ड स्टॉक। डेवलप्ड रिसोर्स किसको बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं। स्टॉक की बात पर चर्चा करें, सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्स मतलब जिसका यूज कर रहे हैं। सेवरल इंडिया में माइंस है, उस माइन से सेवरल ओर्स निकाले जा रहे हैं, पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट का कटिंग करके उसके टिम्बर के रूप में यूज करते आ रहे हैं, हम सॉइल से जो हमारे इरिगेटेड लैंड है उसे खेती करते हैं। ये सब क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स है। इसका एग्जाम्पल जो भी हम यूज करें उसको डेवलप्ड रिसोर्स कहलाएगा। एक होता है रिजर्व। रिजर्व मतलब ये कि आपके पास रिसोर्सेस की मात्रा उपलब्ध है, रिसोर्सेस की मात्रा उपलब्ध है लेकिन आपके पास उसको यूज करने की टेक्निक नहीं। आप उसको कैसे यूज करोगे, इस तरह का अगर टेक्निक नहीं है तो क्या कहलाएगा, रिजर्व। फॉर एग्जांपल पानी की विशाल मात्रा भारत के पास है और पानी में आपको पता होता है क्या होता है, H2O होता है, और H2 जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। H2 बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स हो सकता है लेकिन H2 का एनर्जी के रूप में कैसे यूज करेंगे, इसके प्रॉपर टेक्निक डेवलप नहीं हुए और सारे सारे पानी को इजिली O2 और H2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी प्रॉपर टेक्निक डेवलप नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, रिजर्व कहलाएगा। रिजर्व में होता है स्टॉक मतलब ऐसा रिसोर्स जिसके टेक्निक भी उपलब्ध हैं, जिसके प्लान बन चुके हैं और प्रॉपर और आपके पास अकाउंट उसके पड़े हुए हैं, हाँ इतना मात्रा, जैसे कोल है, आयरन ओर है, यूज भी कर रहे हैं और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे पता चला है कि यहाँ पे ये है, अगर फ्यूचर में आवश्यकता हुई तो उस नए माइंस को खोला जाएगा, उससे निकाला जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टॉक। आपको पता होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा कई एरिया है जहां पे माइनिंग होती है, तो माइनिंग जहां पे हो रही है वहां हो रही है, कई सारे ऐसे प्लेस हैं जहां पाया गया कि यहां पे भी माइनिंग की जाती है, कोल की जा सकती है, कई अन्य चीजों की जा सकती है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि बाड़मेर, बीकानेर वहां पे भी स्टॉक है पेट्रोलियम के, कहीं कहीं पे स्टार्ट भी हो गया पेट्रोलियम का प्रोडक्शन लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूचर में उसको की जा सकती है, तो वो स्टॉक के रूप में पड़ा। टेक्निक भी है हमारे पास सब कुछ, फ्यूचर हम उसको कर सकते हैं, फाइंड आउट उसका यूज कर सकते हैं, तो उसको स्टॉक रिसोर्स बोलते हैं। जो इसका मतलब जो उपलब्ध है, जिसके टेक्निक भी आपको उपलब्ध है, जिसका फिक्स अमाउंट भी आप लोग तक इतना मात्रा में है, इतने दिनों तक चलेगा लेकिन आप अभी यूज नहीं किए हो, फ्यूचर में उसका यूज करोगे, ये प्लान, तो वो कहलाएगा स्टॉक। रिजर्व, तो इस रिजर्व स्टॉक में क्या अंतर हुआ, रिजर्व स्टॉक में ये अंतर हुआ कि रिजर्व जो है उसका टेक्निक आपको पास फाइंड आउट करने का नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इतना है लेकिन टेक्निक नहीं है, तो रिजर्व कहलाएगा। स्टॉक क्या,
स्टॉक मतलब ये हो गया कि जिसका टेक्निक है सब कुछ है आपके पास, अभी नहीं कर रहे फ्यूचर में करोगे। पोटेंशियल का पोटेंशियल, फिर जो पहला हमने देखा था पोटेंशियल रिसोर्सेज को बोलेंगे, जिसमें क्षमता तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, और डेवलप मतलब जिसका यूज करते आ रहे हैं। सब माइन्यूट अंतर है, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स की एग्जांपल के रूप में आप बीकानेर, राजस्थान और जो गुजरात है उस एरिया के, जो उस एरिया में सोलर एनर्जी जैसी या विंड एनर्जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज किया जाए, लेकिन नहीं सरकार कर पा रही है। अगर करेगी तो क्षमता है तो वो जो है कहलाएगा पोटेंशियल रिसोर्स। फिलहाल आप लोगों से आग्रह है कि हालांकि मेरा क्लास 2 बजे था लेकिन मोबाइल से मैं ऐड नहीं हो पा रहा था, कोई ना लेट सही हम आपसे लाइव हो पाए। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, इतना इसी चीज को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद इसका नोट्स आप तैयार, जो सेवरल कैटेगराइजेशन है रिसोर्स के, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्जॉप्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कितने कैटेगरी हैं और कौन कौन से कैटेगरी हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, उसके मीनिंग को लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी का कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद, बंद करिए, फिनिश।